Assalamualaikum, welcome to my channel. आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो लेकर आई हूँ, हाउ टू सेट योर बुफे टेबल. जी हाँ, हम खाना तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन उसको किस वे में प्रेजेंट करते हैं ये भी उस खाने को और ब्यूटीफाई करता है. तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट हम पानी से करेंगे. पानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. हम जितना मर्जी जूस पी लें, ड्रिंक्स पी लें, लेकिन प्यास पानी से ही ख़त्म होती है. तो पानी को किस वे में प्रेजेंट करें, एक तो हम जग में भी कर सकते हैं, जग को सिंपल ट्रे में रख कर. लेकिन और ज़्यादा जो जिस तरीके से मैं करती हूँ वो ये है कि ये मेसन जार वाटर बॉटल मिलती हैं, मैं ये यूज़ करती हूँ. इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इसके अंदर आ जाती है कि आपको रीफिल नहीं करना पड़ता. एक में मैं जूस रखती हूँ और एक में मैं पानी रखती हूँ. इस तरह दोनों वेराइटीज़ आ जाती हैं. आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकती हैं. ये बेसिकली एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर ये रखा जाता है. इसके साथ आगे ही एक छोटा सा टैप है जिससे इजीली पानी जो है वो फिल किया जाता है. उसके पीछे ही मैंने एक राउंड ट्रे में रखे हैं अपने ग्लासेस. किस टाइप के भी आपके पास हों ये अप टू यू है. और इन ग्लासेस को भी हम खूबसूरत बना सकते हैं. ये देखें, मेरे पास सिंपल गॉबलेट ग्लासेस थे और इसके नीचे मैंने एक गॉबलेट कवर्स, इनको कहते हैं, वो यूज़ किए हैं. बेसिकली तो ये बाज़ार में मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाते या आप घर में बनाना चाहते हैं तो ये घर में भी बन सकते हैं, क्योंकि मैंने घर में ही बनाए हैं. इसको दो वे में प्रेजेंट किया, एक तो आप सिंपली लगा दें, दूसरा ये कि आप इसके साथ फ्लावर भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर पर्ल्स भी लगा सकते हैं. ये सब कुछ आपके ऊपर है. तो देखें, एक छोटी सी चीज़ नीचे लगाकर हम अपने ग्लास को कितने अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं. ये देखें जी, ये है मेरे गॉबलेट कवर्स. इसके ऊपर मैंने इलास्टिक लगाया है खुद से और इस तरह हम इसको कवर कर लेंगे. अब आती है रोटी या नान की बारी. ये मैं एक सिंपल सी बास्केट यूज़ कर रही हूँ, इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है. आप वो लें और साथ उसके ऊपर कोई भी अपना टी टावल ले लें. ये कोशिश करें तो अपनी थीम के मुताबिक लें, जौन सा भी आपने टेबल मैट बिछाया हुआ है या जो भी आप कलर स्कीम दे रहे हैं उसे, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है. इसके अलावा भी अगर आपके पास ये बास्केट नहीं है, आप इस टाइप का कोई हॉट पॉट भी यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास ये भी देखें तो ग्रेश से कलर में है, ये भी तकरीबन मेरी थीम में ही आता है. जी, ये है मेरा फूड वार्मर. मैं अपनी तमाम ग्रेवीज, अपने कबाब और चिकन रोस्ट, व्हाटएवर जो भी मैंने प्रेजेंट करना हो, मैं इसी के अंदर रखती हूँ. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये देखें, ये इसके यहाँ पर बटन लगा हुआ है जिससे हम अपना टेम्परेचर सेट करते हैं. ये इलेक्ट्रिकल है, मैं जस्ट स्विच प्लग इन करती हूँ और ये मेरे फूड को वार्म रखता है. तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको बार बार फूड नहीं गर्म करना पड़ता, स्पेशली जब सर्दियों में आप कोई दावत करें. ये स्पून रेस्टर है, मैं जो भी सर्विंग स्पून्स होते हैं वो मैं इसी के अंदर रखती हूँ ताकि ना आपकी शेल्फ गंदी हो और जिसने यूज़ किया वो उसको, मतलब अपनी ग्रेवी डाले और उसके बाद इसको यहाँ पर रख दे. तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देता है और साथ ये जगह भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करता और इसमें एक अच्छी क्वांटिटी सालन की आराम से आ सकती है. ये एक सिंगल इन्वेस्टमेंट है, आप एक दफ़ा कर लें तो बहुत फ़ायदा है. अब बारी आती है आपकी तमाम सॉसेस की, कि आप सॉस किस तरह प्रेजेंट करते हैं. ये देखें, ये मेरे पास, मैंने हर तरह की, मतलब अगर आप बोल में सेट कर रहे हैं, आप जार रख रहे हैं या आप बॉटल्स में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ मैंने जो है इस लेजी सुसान में जो है वो रखा है. ये एक ही जगह इस तरह इसको रोटेट करें और आपको जौन सी बॉटल चाहिए वो आप निकाल कर ले सकते हैं. तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देता है. ये ग्लास में भी मिल जाता है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में भी मिल जाता है, इट्स अप टू यू, जो भी आपके पास अवेलेबल हो. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और चीप रेट्स में मिल जाती हैं, तो मतलब आप इससे जो है अपना टेबल बहुत ही खूबसूरत सजा सकती हैं. उसके अलावा जो हमारी सैलड ड्रेसिंग होती है वो ऑलिव ऑयल या जो भी आप बनाते हैं ड्रेसिंग, वो आप इस तरह की जो है बॉटल सेट अवेलेबल है, आप उसके अंदर डाल के प्रेजेंट करें. और ये है कि ये बॉटल बड़े इजीली अवेलेबल होती है, इसके ऊपर नोज़ल होती है, आप इसको यहाँ से फिल कर लें जौन जौन सी भी आप ड्रेसिंग डालना चाहते हैं और इसको ऊपर से बंद कर दें और इसको इस तरह प्रेजेंट करें. अब ये देखें, पीछे हम लोगों ने सारी केचप्स और जो भी सॉसेस हैं वो, और आगे हमारी तमाम सैलड की ड्रेसिंग है. अब
अब बारी आती है लेबल्स की। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड आजकल इन हुआ हुआ है। ये लेबल्स बहुत ही चीप रेट्स में मिल जाती हैं। ये देखें, ये इस तरह होता है कि एक बेस होती है और उसके ऊपर एक स्टिक होती है। इन दोनों को साथ जब अटैच करते हैं तो ये इजीली स्टैंड कर जाता है। इसके ऊपर आप डिशेस के नाम लिखें, जो भी आपकी ग्रेवी व्हाटएवर जो कुछ भी है वो सब कुछ इस पर लिख के आप उन डिशेस के सामने रख सकते हैं। इस तरह ये है कि जो भी गेस्ट आए होंगे वो एटलीस्ट आपसे पूछेंगे नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो उनको पता चल जाएगा ये वाली डिश है। और उनके लिए भी कन्वीनियंट होगा कि जो समटाइम्स कोई बीफ खाता है कोई नहीं खाता, तो उनको पता चल जाएगा जी बीफ निहारी है या क्या चीज़ है। अब आती है बारी हमारे टेबल मैट की। अगर हम थोड़ा सा टेबल मैट डाल के कोई एक आइटम बीच में रख दें तो वो एक बड़ा लाइवली लुक देता है आपके बुफे टेबल को। मैंने ये एक फ्लावर्स अरेंजमेंट एक छोटी सी मेरे पास थी टेबल पर रखने के लिए, मैंने वो रखी है। तो ये ब्लैक के साथ येलो काफ़ी अच्छा सा कॉम्बिनेशन देती है और काफ़ी एक लाइवली लुक दे देती है। आप कोई भी फ्लोरल अरेंजमेंट छोटी सी रख लें अकॉर्डिंग टू योर स्पेस। अगर जगह नहीं है आप छोटी रख लें, अगर जगह ज़्यादा है तो आप बड़ी भी रख सकते हैं, ये सारा अप टू यू है। एक और आइटम मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये मैंने जो है यूज़ अक्सर करती हूँ, उसमें एक कैंडल है, येलो फ्लावर अरेंजमेंट है। इसको मैंने एक मेटल फ्रेम के ग्लास डिश में रखा हुआ है। ये भी एक बहुत ही अच्छा देता है, लेकिन ये ज़रा जगह ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ये था एक सिंपल सी वीडियो हाउ टू डेकोर योर बुफे टेबल। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Thank you so much.